वही है सिक्स सेंस, वही है इंट्यूशन, वही है मद्देनजर जो आपके पास ज्यादा है। तो वो कहते हैं जस्ट यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, दो लाइनों के बीच में जो नहीं लिखा है उसको पढ़ो। ओम श्री कालिकेय शुभदेवी दुर्गकूट निवासिनी रक्षमार्त महामाये विश्वरूपे नमस्तुते। आज के समय में वर्तमान शिक्षा पद्धति की स्थिति ये है, हाईली क्वालिफाइड एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिनकी बहुत अच्छी है वो लोग भी अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है आईएएस के प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में क्वालिफाई कर जाते हैं, इंटरव्यू में जाकर डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, इंटरव्यू में छट जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू पढ़ाई का टेस्ट नहीं है, इंटरव्यू पर्सनालिटी का टेस्ट है। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हो, आप कैसे किसी भी टफ सिचुएशंस को या चैलेंजिंग सिचुएशंस को हैंडल करते हो, आप स्ट्रेस में तनाव में कैसे काम कर सकते हो आपके चेहरे पे स्माइल रखते हुए, ये टेस्ट होता है इंटरव्यू का। इसलिए इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो सिलेबस का पार्ट बिल्कुल ही नहीं होता है ना, सिलेबस का पार्ट बिल्कुल नहीं होता, वो सिर्फ आपके आईक्यू को टेस्ट करने के लिए, आपके पेशेंस को टेस्ट करने के लिए और आपके अंदर सहनशीलता कितनी है, ये सब टेस्ट करना होता है। तो मैं आपको सच बताऊं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आज के भारत के सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। आप कैसे पर्सनालिटी डेवलप, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे, कैसे उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाओगे? मैं देखता हूं बड़े शहरों में अभी एक नया कल्चर शुरू हो गया है, वहाँ के लड़के लड़कियाँ जब मुझे फ़ोन करते हैं, यंग 20 साल 25 साल 30 साल के हैं जो अमेरिका कनाडा वगैरह में रह रहे हैं, बहुत प्राउडली कहते हैं आई एम डिप्रेस्ड, मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा हूँ या खा रही हूँ, ये बहुत खुशी से कहते हैं। मतलब कि डिप्रेशन में जाना आज के युवा पीढ़ी के लिए खुशी की बात है ना, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सुसाइड कर देना, आत्महत्या कर लेना, ये आम बात हो गई है ना। तो ये जो है ना इसको विकसित करना बहुत ज़रूरी है। आज भारत की सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन क्या है, भारत में शिक्षा की कमी नहीं है, शिक्षित बेरोजगारी की तादाद बढ़ते चली जा रही है। आखिर क्यों शिक्षा बढ़ रही, अभी तक लोगों ने क्या कहा कि शिक्षित कर दो सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो फिर जब शिक्षित कर ही दिया, एक बंदा ग्रेजुएट है ही, मास्टर डिग्री है ही, तो बेरोजगार क्यों है? और ज़्यादातर लोग तो बैठे हुए कि गवर्नमेंट जॉब देगी तब हम कुछ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो फिर एक अनपढ़ इंसान में और एक शिक्षित इंसान में फ़र्क क्या है? वो भी बैठा है किसी के भरोसे, जो अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं है वो भी किसी के भरोसे बैठा है, और आप पढ़े लिखे होकर भी किसी के भरोसे बैठे हो, है नहीं? तो यहाँ क्या है ना, एक बड़ी गहरी बात है हमारे भारतीय तंत्र में, भारत का जो अध्यात्म है प्राचीन, भारत की सोच कुछ अलग थी, ये अंग्रेजों के आने के बाद से कुछ चीज़ें बदली हैं, मानसिकता बदली है। भारत की सोच पहले क्या थी, भारत में दो शब्द बहुत ही ज़्यादा चलते थे, अब उस शब्दों को लोग एक साथ में मर्ज कर चुके हैं, उनको लगता है ये दो शब्द नहीं है, एक ही शब्द है, जैसे शिक्षा और ज्ञान। आपको क्या लगता है शिक्षा और ज्ञान क्या है, एक ही है, फर्क क्या है, कुछ है क्या फर्क है? ज्ञान कैसे जीवन को कैसे जिया जाए, राइट, और शिक्षा इंफॉर्मेशन वस्तु, राइट, इन्फॉर्मेशन एक है, इन्फॉर्मेशन एक है, हाँ वेरी गुड, हाँ शिक्षा होते हैं, हाँ शिक्षित नहीं थे, शिक्षित नहीं थे मगर ज्ञानी थे, है ना। एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ, मतलब ये हमारे ग्रंथों की कहानी है। एक व्यापारी शहर से पैसे कमा कर जंगल के रास्ते से जा रहा था, ढेर सारे पैसे कमा रखे थे, सोने चांदी के मोहरे पहले चलते थे, तो वही सोने चांदी के मोहरे लेकर वो जंगल के रास्ते से जा रहा था। बीच रास्ते में कुछ डकैत मिल गए
और उस उन डकैतों ने उस व्यक्ति को बहुत मारा पीटा, घायल कर दिया, उसकी सारी दौलत छीन लिया और उसको घायल छोड़कर भाग गए डकैत। वो बंदा कराह रहा था, चिल्ला रहा था, उसके शरीर से रक्त बह रहा था, खून बह रहा था, पैरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपने पैरों पे चल सके, गिरा हुआ था, ठीक है। डर लग रहा था उसे कि अभी तो डकैतों ने मारा है, रात हो जाएगी तो हो सकता है कि जंगली जानवर आकर मुझे खा जाएं, है ना। डर रहा था वो कि अगर डकैत से, डकैत तो लूट ले गए, अधमरा छोड़ दिया, लेकिन ये जानवर तो आके खा ही जाएंगे, ठीक है। वो बेचारा बड़े चिंतित था, कराह रहा था। उसी समय उसी जंगल से एक विद्वान जाता है, उसी जंगल से एक विद्वान गुजर रहा है, पढ़ा लिखा पंडित, है ना, बहुत सारा पढ़ाई कर चुका था जिसने, हाईली एजुकेटेड। वो जाता है, वो कराह रहा है और ये उसके करीब से गुजरा। उसने बोला कि मेरी कुछ मदद करो आप, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं बहुत दर्द में हूँ। उस विद्वान ने कहा कि देखो, इस जीवन में कुछ भी अस्थाई नहीं है, सुख भी अस्थाई नहीं है, दुख भी अस्थाई नहीं है, दर्द भी अस्थाई नहीं है, खुशी भी अस्थाई नहीं है। आज तुम दर्द में हो, थोड़ी देर पहले दर्द में नहीं थे, ठीक है। आज जीवित हो, कल मृत्यु हो जाएगी, आज मैं जीवित हूँ, कल मैं मर जाऊँगा, यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है। बस यही सोचो कि इस धरती पे, इस जीवन में कुछ भी अस्थाई नहीं है, तुम्हारा धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा और समय के साथ तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा, ऐसा समझाया। वो व्यक्ति सोचने लगा और उसके बाद से ऐसा कहकर, अच्छी अच्छी बातें करके वो चला गया, विद्वान वहाँ से चला गया। वो सोचने लगा और थोड़ी सी हिम्मत आई कि ठीक है, अभी तक तो मैं खुशी में था, अभी कष्ट आया है, चलो इसको भी झेल लूँगा। थोड़ी देर ये बात उसके दिमाग में चली, थोड़ा मोटिवेटेड फील किया, अच्छा लगा उसको। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे अंधकार छा रहा था, वैसे वैसे उसे लगा कि जानवर तो आएंगे रात में, लोमड़ी, बाघ, शेर, चीते, ये तो खा जाएंगे, या फिर मैं पड़े पड़े भूखे मर जाऊंगा, प्यास लग रही है। अब जिसके शरीर से ब्लीडिंग होती है तो वो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी कि शरीर का पानी खत्म होने लगता है, तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे हिटलर ने लोगों को जर्मनी में मारा, वो सिरिंज से ब्लड ही खींच लेता था, किसी को काटता मारता नहीं था, सिरिंज से ब्लड खींच लेता था, इंसान तड़प तड़प के मर जाता था। तो उसी तरीके से इसके साथ भी हो जाएगा। अब वो बेचारा दुखी था, पहले तो मोटिवेटेड फील किया था लेकिन दुखी रहा। अब उसको लगा कि बस अब तो भगवान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, अब तो कोई दूसरा सहारा नहीं है। थोड़ी देर के बाद एक अनपढ़ घोड़े वाला जो टांगा खींचा करता था, अपने घोड़े को लेकर जंगल से गुजर रहा था। थोड़ी देर के बाद उस घोड़े वाले को उस व्यक्ति ने देखा, बोला मेरी कुछ मदद करो, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे प्यास लग रही है, मेरे लिए पानी ला दो। वो बोला अब इस जंगल में मैं पानी लेकर कहाँ से आऊँगा, क्योंकि आसपास में कोई नदी नाला कुछ भी नहीं है, कोई तालाब भी नहीं, मैं पानी कहाँ से लेकर आऊँगा। तो बोला कुछ करो मेरे लिए, मैं तो मर जाऊँगा यहाँ पे, है ना। तो पूछा कि तुम कहाँ, तो कहाँ तुम्हारा घर है, तो उसने बताया जंगल के उस पार मेरा घर है। तो उस घोड़े वाले ने उस व्यक्ति को उठाकर अपने घोड़े पे लिटाया और खुद पैदल घोड़े के साथ चल चल के उसको उसके घर तक पहुँचाया और फिर वहाँ पे उसकी इलाज हुई, उसकी जान बच गई। अब मोरल ऑफ द स्टोरी इज, दो व्यक्ति मिले उसको, एक व्यक्ति वो मिला जो बहुत ज्ञानी था, एक व्यक्ति वो मिला जो अनपढ़ था, कुछ नहीं जानता था, जिंदगी को ठीक से नहीं जाना। उस व्यक्ति के लिए वो दोनों में कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था? जो अनपढ़ घोड़े वाला था, यही ज्ञान है। जो अनपढ़ घोड़े वाला है ना, वही ज्ञान है, और वो जो विद्वान पंडित है वो शिक्षित है, एजुकेटेड, यही आधुनिक शिक्षा है। बातें बड़ी बड़ी, दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, पूरी दुनिया जानते हैं, कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं अमेरिका जानता हूँ, मैं कनाडा जानता हूँ, मैं भारत के सारे राज्यों को जानता हूँ, यहाँ के क्लाइमेट को जानता हूँ, यहाँ के लोगों को जानता हूँ, धर्म को, पंथ को, जातियों को, सबको मैं जानता हूँ। लेकिन रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कुछ है, कुछ भी नहीं। शिक्षा का मतलब दो आँखें,
ये आंखें जितनी देखती हैं, ये कान जितने सुनते हैं, ये आपके हाथ जिसको स्पर्श कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती हैं। जैसे आंख बंद है और मैं आंख बंद करके ही इसको मैं ऐसे छूऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना ये स्टूल पड़ी हुई है यहाँ पे, तो यानी ज्ञान तो मैं यहाँ से भी ले रहा हूँ, जानकारियाँ ले रहा हूँ, आंखों से देख के भी ले रहा हूँ, कान से सुन के भी ले रहा हूँ, ठीक है, ये तो मुझे जानकारियाँ मिल गई, राइट। तो ये है इन्फॉर्मेशंस, जो ज्ञान शिक्षा जिसको हम बोलते हैं वो आंखों से दिखाई देती। अब इन दोनों आंखों के बीच में एक और आंख है, इन दो आंखों के बीच में भी एक आंख है जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, अध्यात्म के जगत में उसको थर्ड आई बोला जाता है। आपने भगवान शिव शंभू की तस्वीर को देखा ना, उसमें थर्ड आई दिखाई देती है, माता रानी को देखोगे थर्ड आई दिखाई देती है, उसको एक शब्द में बोलते हैं मध्य नजर, नजर मध्य नजर, मध्य नजर का मतलब दो नजरों के मध्य में, मध्य दो नजरों के मध्य में, तो वो दो नजरों के मध्य में बीच में कुछ है, वो है तीसरी आंख। शिक्षा, रियल शिक्षा का अर्थ होता है अपनी तीसरी आंख को जगाना, और जब तीसरी आंख जगती है, खुलती है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्यवहारिक ज्ञान और किताबी शिक्षा जहां पे दोनों आकर मिल जाती हैं, वहीं मध्य नजर खुल जाता है, आंखों के बीच का वो केंद्र एक्टिवेट होता है, दो आंखों के बीच में भी एक चिंतन करने का हो जाता है। आप इंग्लिश में एक लाइन अक्सर पढ़ते होंगे, बिटवीन द लाइन्स बोलते हैं ना, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, दो लाइन है उनके बीच में पढ़ो। अब बताओ दो लाइन है तो दो के बीच में क्या लिखा जाता है, दो लाइन के बीच में तो कुछ लिखा ही नहीं जाता है, क्योंकि तीसरी कोई भी चीज हमने लिख दी तो वो तीसरी लाइन हो गई ना, तो फिर तो दो ही रहेगी ना। तो वो कहते हैं जस्ट यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, दो लाइनों के बीच में जो नहीं लिखा है उसको पढ़ो, जो नहीं लिखा है उसको पढ़ो, जो नहीं कह रहा है उसको सुनो, जो उसके जुबान से निकल रही है बात वो जरूरी है लेकिन उसके चेहरे को पढ़ो। ये जो पढ़ने का है ना, आप सब, आप लोग के पास भगवान जी ने बड़ी अच्छी क्वालिटी दी है, सिक्स सेंस, आप लोग को इतना तो पता चल जाता है किसी व्यक्ति की नजर देख के ना, कि स्कैनिंग कर लेते हो आप लोग पूरा ऊपर से नीचे तक, कि अभी इसके मन में क्या चल रहा है, होता है कि नहीं, होता है ना, वही है सिक्स सेंस, वही है इंट्यूशन, वही है मध्य नजर, जो आपके पास ज्यादा है, आपके पास ज्यादा है बनिस्पत पुरुषों के, है नहीं। आप लोग बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, आप अच्छे गुरु हो सकते हो, आप अच्छे टीचर हो सकते हो, तो वो जो थर्ड आई है ना वो विकसित होता है जीवन के अनुभव से। अब यहां देखो भारत में समस्या क्यों, भारत में क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, पढ़ाई की कमी नहीं है, बेरोजगारी की कमी क्यों है, क्योंकि ये ज्ञानी नहीं हो पाए, व्यवहारिकता तो है नहीं इनके पास। एक किसान का बेटा पढ़ाई लिखाई कर लेता है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बाय चांस नौकरी नहीं लगी इंजीनियरिंग की, बाय चांस नहीं लगती, आपको पता है आजकल के इंजीनियर भी बेरोजगार हैं, डॉक्टर भी बेरोजगार हैं, नहीं लगी तो ये क्या करेंगे, ये क्या अपने पिता के काम में कुछ आगे बढ़ के कर पाएंगे, किसानी का काम करेंगे, कभी नहीं कर सकते। पढ़ा लिखा मैं हूं, मैं किसान का काम करूंगा, अगर मैं किसानी का काम मुझे करना होता तो मैं पढ़ाई करता। दिस इज द ब्लॉकेज ऑफ माइंड, ये ब्लॉक बना रहे हैं दिमाग में, पढ़ाई लिखाई का मतलब मैं ये काम कर ही नहीं सकता, जबकि होना क्या चाहिए, अगर वो ज्ञानी होगा तो क्या कहेगा, मैं जब तक अनपढ़ था मेरे पास पांच ऑप्शन थे काम करने के, मजदूरी करने का, किसानी करने का, किसी की नौकरी करने की, या कोई छोटी मोटी दुकान शुरू करने की, है ना, या कुछ भी नहीं होता तो किसी की सेवा करके ही, झाड़ू पोछा लगा के ही मैं कुछ पैसे कमा लेता, यानी पांच ऑप्शन मेरे पास हैं अगर मैं अनपढ़ हूं तो। लेकिन अगर मैं पढ़ा लिखा हो जाऊंगा ना तो वो पांच ऑप्शन और अगला पढ़ाई के कारण से अगला जो पांच ऑप्शन मिला, ये दोनों मिलके मेरे पास दस ऑप्शन, अब मुझे कौन बेरोजगार रख सकता है, क्योंकि मेरे पास दस ऑप्शन है। अब यहां समस्या क्या है, जैसी पढ़ाई लिखाई हुई पांच ऑप्शन खत्म,
क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं ये काम कैसे कर सकता हूं। और वो अगले पांच ऑप्शन में अगर जॉब नहीं मिली तो उसका करियर खत्म, उसके बाद वो मानसिक रोगी होगा, उसके बाद वो डिप्रेशन में जाएगा।